स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर, मैं आपके साथ रिजवान खान। लगातार खबरें आ रही हैं कोयले को लेकर, तो मैंने ये सोचा कि अलग अलग जगह पर जाकर जो दुकानदार हैं जो कोयले का इस्तेमाल करते हैं, क्या हालत है, क्या है सच्चाई। देखिए यहाँ पे कबाब टिक्का वगैरह ये बेचते हैं और कोयले का इस्तेमाल ही करते हैं। देखिए पूरा का पूरा कोयला है और इसे हम समझने और जानने की भी कोशिश करेंगे क्या कुछ परिवर्तन। अच्छा आप बताइए, कोयला को लेकर जो इस तरह से मीडिया में खबरें आ रही हैं, क्या है, आप लोग कोयला डेली खरीद रहे हैं? भाई अभी तो मिल रहा कोयला, लेकिन ये क्या परेशानी तो हो ही रही है, काफी महंगा दे रहे कोयला। कोयला महंगा हो गया है? महंगा हो गया काफी, हम तो भट्टी लगाने वाले गैस वाली। अच्छा अच्छा, कोयला इधर आपको लग रहा है कि महंगा हो गया है? हाँ गैस वाली भट्टी आने वाली है, वही लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं चेंजेस तो है, हमने कोशिश की। देखिए आप कोयला यहाँ पे ये रखे हुए हैं, शॉर्टेज नहीं है बल्कि ये कह सकते हैं महंगा हो गया है। तो कहीं ना और लोगों से हमने बात की है, तो कोई बता रहे हैं कि इनसे पहले और दुकानों से बात किया तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जो कोयला है उसकी सप्लाई स्लो है, मगर यहाँ आने के बाद हमें पता चल रहा है कोयला मिल रहा है मगर महंगा है। इनकी दुकान पटला हाउस में है, बहुत फेमस दुकान है और कोयला का ही इस्तेमाल करते हैं लगातार। तो हमने कोशिश की कि ये खबर आप तक पहुंचा सके और एक बेहतरीन तरीका है ये समझने के लिए कि किस तरह से चिकन टिक्का इनका बहुत फेमस है। तो हम सीधे यहाँ से आके रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कोयला महंगा हुआ कोयला है, तुमने पता क्या कोयला जो है अभी लगाना चालू करा, बीच में कोयला बंद ही कर रखा था हमने। अच्छा बंद कर रखा था, भट्टी गैस वाली आती है ना वो लगा रखी थी गैस वाली भट्टी। अच्छा अच्छा, अब फिर दोबारा से थोड़ा कोयला चल रहा तो हमने लगा दिया, वरना फिर वही मगर महंगा हो गया है ये कह रहे हैं, फिर कोयला अभी बंद ही करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, बंद करने वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।